ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 5 सितंबर की मुरली है। मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, तुम्हें यह प्रवृत्ति मार्ग का लव मिलता है। तुम्हें यहाँ प्रवृत्ति मार्ग का लव मिलता है क्योंकि बाप दिल से कहते हैं मेरे बच्चे, दिल से कहते हैं मेरे बच्चे। बाप से वर्षा मिलता है यह लव देहधारी गुरु नहीं दे सकते। यह प्यार, यह स्नेह देहधारी गुरु नहीं दे सकते। कौन दे सकते? सद्गुरु ही दे सकते। प्रश्न है, जिन बच्चों की बुद्धि में ज्ञान की धारणा है, सुरुड़ बुद्धि है। प्रश्न है, जिन बच्चों की बुद्धि में ज्ञान की धारणा है, सुरुड़ बुद्धि है, उनकी निशानी क्या होगी? उनकी निशानी क्या होगी? क्या होगी? क्या होगी? उत्तर है, उन्हें दूसरों को सुनाने का शौक होगा। क्या होगा? जो ज्ञान की धारणा है, सुरुड़ बुद्धि है, उनको दूसरों को सुनाने का बड़ा शौक रहता है, उमंग उत्साह रहता है। उनकी बुद्धि मित्र संबंधियों आदि में भटकेगी नहीं। सुरुड़ बुद्धि जो होते हैं वे पढ़ाई में कभी उबासी आदि नहीं लेंगे, स्कूल में कभी आंखें बंद करके नहीं बैठेंगे। ये स्कूल है ना, यहाँ पे आंखें बंद करके नहीं बैठेंगे। जो बच्चे तवाई होकर बैठते, जिनकी बुद्धि इधर उधर भटकती रहती, वह ज्ञान को समझते ही नहीं, उनके लिए बाप को याद करना बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। ओम शांति। आज कौन सा दिन है? सद्गुरुवार। तो बाबा कहते, यह है बाप और बच्चों का मेला, गुरु और चेले अथवा शिष्यों का मेला नहीं है। इन गुरु लोगों की दृष्टि रहती है कि यह हमारे शिष्य हैं अथवा फॉलोअर्स व जिज्ञासु हैं। हल्की दृष्टि हो गई ना, वह उस दृष्टि से ही देखेंगे, आत्मा को नहीं। वह देखते शरीर को, और वह चेले भी देहाभिमानी होकर बैठते, उनको अपना गुरु समझते हैं। दृष्टि वह रहती है कि हमारा गुरु है, गुरु के लिए रिगार्ड रखते हैं। यहाँ तो बहुत फर्क है, यहाँ बाप ही बच्चों का रिगार्ड रखते हैं, जानते इन बच्चों को पढ़ाना है। यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है? बेहद की स्ट्रेट ज्योग्राफी बच्चों को समझानी है। उन गुरुओं के दिल में बच्चे का लव नहीं होगा। बाप के पास तो बच्चों का बहुत लव रहता है, और बच्चों का भी बाप पर क्या रहता? लव रहता है। तुम जानते हो बाबा तो हमको सृष्टि चक्र का ज्ञान सुनाते हैं। वह क्या सिखाते हैं? आधा कल्प शास्त्र आदि सुनाते, भक्ति के कर्मकांड करते, गायत्री संध्या आदि सिखाते रहते। यह तो बाप आया हुआ है, अपना परिचय देते। हम बाप को बिल्कुल नहीं जानते थे, सर्वव्यापी ही कह देते थे। कभी भी पूछो परमात्मा कहाँ है, तो झट कहेंगे वह तो सर्वव्यापी। तुम्हारे पास मनुष्य जब आते हैं तो पूछते हैं, यहाँ क्या सिखाया जाता है? बोलो,
हम राजयोग सिखाते जिससे तुम मनुष्य से देवता अर्थात राजा बन सकते हो। और कोई सत्संग ऐसा नहीं होगा जो कहे हम मनुष्य से देवता बनने की शिक्षा देते हैं। देवताएं होते हैं सतयुग में, कलयुग में है मनुष्य। अब हम तुमको सारे सृष्टि चक्र का राज समझाते हैं जिससे तुम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे और फिर तुमको पावन बनने की बहुत अच्छी युक्ति बताते हैं। ऐसी युक्ति कभी कोई समझा न सके। यह है सहज राजयोग। बाप है पतित पावन, वह सर्वशक्तिमान भी है, तो उनको याद करने से ही पाप क्या होंगे, भस्म होंगे, क्योंकि योग अग्नि है ना। तो यहाँ नई बात सिखलाते हैं, यह ज्ञान मार्ग है। ज्ञान सागर एक ही बाप होते हैं। ज्ञान और भक्ति अलग अलग है। ज्ञान सिखाने लिए बाप को आना पड़ता है क्योंकि वही ज्ञान का सागर है। वह खुद आकर अपना परिचय देते हैं, मैं सबका बाप हूँ, ब्रह्मा द्वारा सारी सृष्टि को पावन बनाता हूँ। पावन दुनिया है सतयुग, पतित दुनिया है कलयुग। तो सतयुग आदि कलयुग अंत का यह है संगम युग। इनको इस युग को और एक नाम है, क्या है, लीप युग। इसमें हम जंप मारते हैं, मार लिया ना जंप सभी ने, कहाँ, पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जंप मारते। वह तो सीढ़ी से आहिस्ते आहिस्ते नीचे उतरते आए, यहाँ तो हम छी दुनिया से नई दुनिया में एकदम जंप मारते, सीधा चले जाते हैं ऊपर। पुरानी दुनिया को छोड़ हम नई दुनिया में जाते हैं। यह है बेहद की बात। बेहद की पुरानी दुनिया में ढेर मनुष्य हैं, नई दुनिया में तो बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, जिसको स्वर्ग कहते हैं। वहाँ सब पवित्र रहते हैं। कलयुग में है सब अपवित्र, अपवित्र रावण बनाते। यह तो सबको समझाते हैं कि तुम अब रावण राज्य अथवा पुरानी दुनिया में हो, असल में राम राज्य में थे जिसको स्वर्ग कहा जाता था। फिर कैसे 84 का चक्र लगाकर नीचे गिरे हो, सो तो हम बता सकते हैं। जो अच्छे समझदार होंगे वह झट समझेंगे, जिसको बुद्धि में नहीं आएगा वह तो तवाई के मिसल क्या हो जाएंगे, तवाई के मिसल इधर उधर देखते रहेंगे, उनको समझ ही नहीं आएगा, इधर उधर देखते रहेंगे, अटेंशन से सुनेंगे नहीं। कहते हैं ना, तुम तो जैसे तवाई हो। सन्यासी लोग भी जब कथा बैठ सुनाते हैं, कोई झुटका खाते हैं, हाँ, या अटेंशन और तरफ रहता है, तो अचानक उनसे पूछते हैं क्या सुना, तो बाप भी सबको देखते रहते हैं, कोई तवाई तो नहीं बैठे, सभी ध्यान से सुन रहे हैं। अच्छे शुद्ध बुद्धि बच्चे जो होते हैं वे पढ़ाई में कभी उबासी आदि नहीं लेंगे, उबासी आदि नहीं लेंगे। तो शुद्ध बुद्धि बच्चे, तो हम कौन से बच्चे, शुद्ध बुद्धि है ना। स्कूल में कभी कोई आंखें बंद करके बैठे यह तो कायदा नहीं है, कुछ भी ज्ञान को समझते नहीं। बाप को याद करना उनके लिए बड़ा मुश्किल है, फिर पाप कैसे कटे। शुद्ध बुद्धि तो अच्छी रीति से धारण कर औरों को सुनाने का शौक रहता है। ज्ञान नहीं है तो बुद्धि मित्र संबंधियों की तरफ भटकती रहती है। या तो बाप कहते हैं और सब कुछ भूल जाना, पिछाड़ी में कुछ भी याद ना आए। बाबा ने सन्यासियों आदि को देखा हुआ है जो पक्के ब्रह्म ज्ञानी होते, सवेरे ऐसे बैठे बैठे ब्रह्म महतत्व को याद करते करते शरीर छोड़ देते,
उनके शांति का प्रवाह बहुत होता है। अब वह ब्रह्म में लीन तो हो न सके, फिर भी माता के गर्भ से जन्म लेना पड़ता है। बाप ने समझाया है, वास्तव में महात्मा कौन? महात्मा तो श्री कृष्ण को कहते हैं, मनुष्य तो बिगर अर्थ समझे ऐसे ही कह देते। बाप समझाते, श्री कृष्ण है संपूर्ण निर्विकारी, परंतु उनको सन्यासी नहीं देवता कहा जाता है। सन्यासी कहना व देवता कहना उनका भी अर्थ है। यह देवता कैसे बना? सन्यासी से देवता बना, बेहद का सन्यास किया, फिर चले गए नई दुनिया में। वह तो हद का सन्यास करते हैं, बेहद में जा न सके, हद में ही पुनर्जन्म लेना पड़े विकार से, बेहद का मालिक बन न सके, राजा रानी कभी न बन सके, क्योंकि उनका धर्म ही अलग, सन्यास धर्म, देवी देवता धर्म नहीं है। बाप कहते, मैं अधर्म विनाश कर देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ। विकार भी अधर्म है ना, इसलिए बाप कहते इन सब का विनाश और एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने मुझे आना पड़ता है। भारत में जब सतयुग था तो कौन सा धर्म था? आदि सनातन देवी देवता धर्म एक ही था। वही धर्म फिर अधर्म बन जाता है। जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। अपने को आत्मनिश्चय करना है, बलग्रस्त विहार में रहो, उसमें भी जितना हो सके उठते बैठते या पक्का करो। जैसे भक्त लोग सवेरे उठकर एकांत में बैठ माला जपते, तुम तो सारे दिन का हिसाब निकालते हो, फलाने समय इतनी याद रही, सारे दिन में इतना समय याद रही, टोटल निकालते हो। वह तो सवेरे उठकर माला फेरते हैं, बल कोई सच्चे भक्त नहीं होते हैं। कईयों की बुद्धि तो बाहर ही कहाँ कहाँ भटकती रहती और माला चलती रहती। यहाँ बाबा कहते कई बच्चे चार्ट लिखते हैं, अभी एक घंटा याद किया, फिर आधा घंटा, या कभी 15 मिनट, कभी 5 मिनट, कितना याद किया उसका पूरा हिसाब लिख के बाबा के आगे रखते। अभी तुम समझते हो भविष्य भक्ति से फ़ायदा कुछ भी नहीं मिलना, यह तो है ज्ञान जिससे बहुत फ़ायदा होता है। ज्ञान के अंतर में बाबा बताते, अभी तुम्हारी चढ़ती कला। बाप घड़ी घड़ी कहते, बच्चे मन मना भो, गीता में भी अक्षर है परंतु उसका अर्थ कोई भी सुना नहीं सकेंगे, जवाब देने आएगा नहीं। वास्तव में उसका अर्थ लिखा हुआ भी है, अपने को आत्मा समझ, देह के सब धर्म छोड़, मामिकम याद करो। भगवान वच है ना, परंतु उनकी बुद्धि में कौन है? कौन है? श्री कृष्ण भगवान। वह तो देहधारी पुनर्जन्म में आने वाला है ना, ये क्यों नहीं समझते कि सत्य बात है कि कृष्ण ने भी जन्म लिया है, देहधारी है, जन्म लिया है, पुनर्जन्म लिया है, तो उनको भगवान कैसे कह सकते हैं? तो सन्यासी आदि किसी की भी दृष्टि बाप और बच्चों की नहीं हो सकती है। अगर वो पिता होते तो हम उनको पिता के रूप में क्यों महसूस नहीं कर पाते हैं? भल गांधी जी को बापूजी कहते थे, परंतु बाप बच्चे का संबंध नहीं कहें। वह तो फिर भी साकार हो गया ना, तुमको तो समझाए, अपने को आत्मा समझो। यहाँ तो बाबा कहते बच्चे अपने को आत्मा समझो। भले गांधी जी को बापूजी कहते थे, लेकिन वो पिता का कोई संबंध किसी का नहीं था, और यहाँ हम बाबा कहते हैं और वो पिता का संबंध हम अनुभव करते हैं, रखते हैं। इसमें जो बाप बैठा है वह है बेहद का बापूजी। लौकिक और पारलौकिक दोनों बाप से वर्षा मिलता है, बापूजी से तो कुछ भी नहीं मिला।
अच्छा, भारत की राजधानी वापस मिली, परंतु यह वर्षा तो नहीं कहेंगे, सुख मिलना चाहिए ना। वर्षे होते ही हैं दो, एक हद के बाप का, दूसरा बेहद के बाप का। ब्रह्मा से भी कोई वर्षा मिलता है? नहीं मिलता, बल सारी प्रजा का वह पिता है, उनको कहते ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। वह खुद कहते मेरे से तुमको कुछ भी वर्षा नहीं मिलेगा, जबकि वह खुद कहते मेरे से वर्षा नहीं मिल सकता, तो उसे बापूजी से फिर क्या वर्षा मिल सकेगा? कुछ भी नहीं जानते, अंग्रेज तो चले गए, अभी क्या है? भूख हड़ताल, पिकेटिंग, स्ट्राइक आदि होती रहती, कितनी मारामारी होती रहती, कोई का डर नहीं है, कईयों को किसी का डर नहीं है, इतना हंगामा करते हैं, इतना शोर मचाते हैं, कितना कुछ कर रहे हैं, बड़े बड़े ऑफिसर्स को भी मार देते हैं। सुख के बजाय और दुख है, तो बेहद की बात यहाँ ही है। बाप कहते पहले पहले तो ये पक्का निश्चय करो कि हम कौन, आत्मा है शरीर नहीं, बाप ने हमको अडॉप्ट किया है, हम कौन है? अडॉप्टेड बच्चे। तुमको समझाया जाता है बाप ज्ञान का सागर आया है, किस लिए ज्ञान सुना? सृष्टि चक्र का राज वो बताता है, दूसरा कोई समझा न सके। बाप कहते देह सहित देह के सब धर्मों को भूल, मामे कम याद करो, सतो प्रधान जरूर बनना पड़ेगा। यह भी जानते हो पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है, नई दुनिया में बहुत थोड़े होते, कहाँ इतनी करोड़ों आत्माएं और कहाँ 9 लाख, इतने सब कहाँ जाएंगे? 9 लाख होंगे सत्युग में, बाकी सब कहाँ जाएंगे? परमधाम, अब तुम्हारी बुद्धि में कि हम सब आत्माएं ऊपर में थी, फिर वो यहाँ आई है पार्ट बजाने, आत्मा को ही एक्टर कहेंगे, आत्मा एक्ट करती शरीर के साथ, आत्मा को ऑर्गन्स तो चाहिए ना, आत्मा की 3 छोटी हैं, 84 लाख जन्म है नहीं, हर एक अगर 84 लाख जन्म ले फिर पार्ट रिपीट कैसे करेंगे? याद नहीं रह सकता, स्मृति से बाहर चला जाए, 84 जन्म भी तुमको याद नहीं रहते, भूल जाते हैं। अब तुम बच्चों को बाप को याद कर क्या बनना है? पवित्र जरूर बनना है, इस योग अग्नि से विकर्म विनाश होंगे, यह भी निश्चय है। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा हम कल्प कल्प लेते, अब फिर स्वर्गवासी बनने के लिए बाप ने कहा है कि मामे कम याद करो, क्योंकि मैं ही पतित पावन हूँ। तुमने बाप को पुकारा है ना, तो अब बाप आए हैं पावन बनाने। पावन होते हैं देवता, पतित होते मनुष्य, पावन बनकर फिर शांति धाम में जाना। तुम शांति धाम जाना चाहते हो या सुख धाम आना चाहते हो? सन्यासी तो कहते सुख काग विष्टा के समान है, हमको शांति चाहिए, तो वह सत्युग में कभी आ नहीं सकेंगे। सत्युग में था प्रवृत्ति मार्ग का धर्म, देवताएं निर्विकारी थे, वही पुनर्जन्म लेते लेते पतित हो गए। अब बाप कहते बच्चे निर्विकारी बनना है, स्वर्ग में चलना है, तो मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाए, पुण्य आत्मा बन जाएंगे, फिर शांति धाम सुख धाम में जाएंगे। वहाँ शांति भी थी और क्या था, सुख भी था, अभी है दुख धाम। फिर बाप आकर सुख धाम की स्थापना करते, दुख धाम का विनाश। चित्र भी सामने है, बोलो अभी तुम कहाँ खड़े हो? अभी ये कलयुग का अंत विनाश सामने खड़ा है, बाकी जाकर थोड़ा टुकड़ा रहेगा, इतने खंड तो वहाँ होते नहीं। यह सब
वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बापी बैठ समझाती है, पाठशाला है, भगवान वाच बैठ जा, भगवान वाच पहले पहले बाप का परिचय देना पड़ता है। अभी कलयुग है फिर सतयुग में जाना है, वहाँ तो सुख ही सुख होता है। एक को याद करना है, वह है अव्यभिचारी याद, अव्यभिचारी याद। शरीर को भी भूल जाना है, शांतिधाम से आए हैं फिर शांतिधाम में जाना है। वहाँ पतित कोई जा न सके, बाप को याद करते 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 पावन बन तुम मुक्तिधाम में चले जाएंगे। यह अच्छी थी बैठ समझाना पड़ता है। आगे इतने सब चित्र थोड़ी थे, बिगर चित्र भी नटशेल में समझाया जाता था। इस पाठशाला में मनुष्य से देवता बन जाना है। यह है नई दुनिया के लिए नॉलेज, वह बाप ही देंगे ना, तो बाप की दृष्टि रहती है किस पर, किस पर? बच्चों पर। हम आत्माओं को पढ़ाते, तुम भी समझाते हो बेहद का, बाप हमको समझाते, उनका नाम शिव बाप। सिर्फ बेहद का बाबा कहने से भी मून जाएंगे, क्योंकि बाबाएं भी बहुत हो गए। म्युनिसिपैलिटी के मेयर को भी कहते हैं बाबा, बाप कहते हैं मैं इसमें आता हूँ तो भी मेरा नाम शिव ही है। ब्रह्मा के तन में आते तब भी बाबा कहते मेरा नाम शिव ही है, मैं इस रथ द्वारा तुमको नॉलेज देता हूँ, इनको एडाप्ट किया है, इनका नाम है प्रजापिता ब्रह्मा, इनको भी मेरे से वर्षा मिलता है। अच्छा अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। प्यारे बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट है अभी पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जंप देने का समय है। कौन सा समय? जंप देने का समय। इसलिए इस पुरानी दुनिया से बेहद का संन्यास करना है, इसे बुद्धि से भूल जाना है। किसे किसे? पुरानी दुनिया को। दूसरे पॉइंट, पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देना है, स्कूल में आंखें बंद करके बैठना है, बैठना यह कायदा नहीं है, इसलिए यह स्कूल है, यहाँ पे आंखें बंद नहीं करना है। ध्यान रहे पढ़ाई के समय बुद्धि इधर उधर न भटके, उबासी न आए, जो सुनते जाए वह धारण होता जाए। सब तरह के बच्चे, कोई घर में बैठ के ध्यान से सुनते, कोई इधर आके बैठे तो हैं लेकिन उबासी आती है या नींद आती है, कोई यहाँ बैठे बहुत अच्छे से एकाग्रपूर्वक सुन रहे हैं, कोई आधा सुनते, कोई थोड़ा सुनते, तो सब अलग अलग नंबर वार। इसलिए बाबा कहते नंबर वार बच्चे, है ना, तो इसलिए बाबा कहते बच्चे ध्यान से सुन, धारण करो। अच्छा, वरदान, रूहानी नशे द्वारा पुरानी दुनिया को भूलने वाले स्वराज्य सो विश्व राज्य अधिकारी भव। रूहानी नशे द्वारा पुरानी दुनिया को भूलने वाले स्वराज्य सो विश्व राज्य अधिकारी भव। संगम युग पर जो बाप के वर्षे के अधिकारी हैं वही स्वराज्य और विश्व राज्य अधिकारी बनते। आज स्वराज्य है, कल विश्व का राज्य होगा। आजकल की बात है, ऐसी अधिकारी आत्मा रूहानी नशे में रहती है और नशा पुरानी दुनिया
सहज भुला देता है। अधिकारी कभी कोई वस्तु के व्यक्ति के संस्कार के अधीन नहीं हो सकते। उन्हें हद की बातें छोड़नी नहीं पड़ती, स्वतः छूट जाती। छोड़नी नहीं पड़ती लेकिन स्वतः छूट जाती। अच्छा, स्लोगन, हर सेकंड, हर श्वास हर खजाने को, हर सेकंड, हर श्वास हर खजाने को, सफल करने वाले ही सफलता मूर्त बनते हैं। सफलता मूर्त बनते हैं, तो हमें क्या बनना है? सफलता मूर्त बनना है। हमारे संकल्प, श्वास, खजाने, कौन कौन से खजाने, कितना हमने सही से यूज़ कर रहे हैं, चार्ट रखना है। बाबा ने कहा कि आज की बुद्धि क्या करना है, एक बाबा से लगाओ। ये स्कूल है, आंखें बंद करके मत बैठो, ध्यान रखो, शुद्ध बुद्धि बनो, होशियार बुद्धि बनो, इस ज्ञान को धारण करो। अच्छा, ओम शांति।